रिटायरमेंट शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। एन एम्प्लॉयर रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 4 लाख रुपीज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रुपीज 1 लाख फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन इज हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इस क्वेश्चन में हमको अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का क्या टैक्सेबल अमाउंट होगा वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जैसे बोला गया कि एम्प्लॉय को टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, 4 लाख रुपए। इस 4 लाख में 1 लाख रुपए इंटरेस्ट का भी है, ठीक। और यहाँ नीचे बताया गया है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना था। भाई सबको पता है कि प्रोविडेंट फंड में कुछ पोर्शन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं तो कुछ पोर्शन एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो 4 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है 1 लाख, यहाँ बोला गया है कि जो एम्प्लॉयर है, मतलब कि जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय की बात हो रही है, उनके जो मालिक है कंपनी के, उन्होंने भी आधा अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है और आधा अमाउंट उसका प्रोविडेंट फंड का और आधा इंटरेस्ट का। मतलब जैसे देख लो 1 लाख रुपए पूरा इंटरेस्ट है तो उसमें से 50,000 इंटरेस्ट किसने कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉयर ने, ठीक है। और अगर हम पूरे अमाउंट का देखें तो 4 लाख में से 2 लाख एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया और 2 लाख एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले तो ये जान लो कि जो भी यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर का टोटल कंट्रीब्यूशन विथ इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरीज। तो आप देख रहे हो 4 लाख रुपए टोटल कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि 4 लाख में से 2 लाख हो गया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और 2 लाख हो गया एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। अब इसी में अगर इंटरेस्ट भी बांट दो तो कहने का मतलब हो गया इस 2 लाख में से 1,50,000 वो जो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो, और जो 50,000 है वो इंटरेस्ट है। ऐसे ही इस वाले में भी वही कि 1,50,000 कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है और 50,000 इंटरेस्ट का। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है प्लस इंटरेस्ट यानी कि 2 लाख रुपए टोटल, वो 2 लाख रुपए फुल्ली टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड सैलरीज, ठीक। अब आते हैं इम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे। तो इम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में जो ये 1.5 लाख वाला कंट्रीब्यूशन है ये टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। बस जो ये इंटरेस्ट है ना ये टैक्सेबल होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं हम 12 का। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। जो भी असेसमेंट ईयर होगा वो आप यहां पे लिख देना। अब सबसे पहले आप इसमें लिखोगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन विथ इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। तो आपको मैंने अभी बताया कि जैसे टोटल अमाउंट 4 लाख रुपए इनको मिला है ना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो इसमें से 2 लाख एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और 2 लाख एम्प्लॉय का। तो उस 2 लाख में 1.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन है, 50,000 इंटरेस्ट है। तो एम्प्लॉयर के केस में दोनों ही चीज फुल्ली टैक्सेबल यानी कि 1,50,000 प्लस 50,000 2 लाख रुपीज टैक्सेबल, ठीक। फिर उसके बाद एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन एम्प्लॉयज सब्सक्रिप्शन टू इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इंटरेस्ट कितना है अभी मैंने आपको बताया 50,000, क्योंकि ऐसे देख लो ना 1 लाख रुपए इंटरेस्ट बताया गया है क्वेश्चन में और उसमें से बोला गया है कि हाफ इंटरेस्ट जो है वो एम्प्लॉयर का और हाफ इंटरेस्ट एम्प्लॉय का, तो इसलिए आप 50,000 एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। बस ये 2 लाख प्लस 50,000 कर दो, 2,50,000 टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक।